वेल मैंने गोल्ड वॉज दो बारी होस्ट किया है तो दोनों अपॉर्चुनिटीज में मैंने गोल्ड नहीं पहना था बिकॉज आई हैड टू बी ऑन स्टेज एंड आई थॉट इट वुड बी अ लिटिल लाउड सो आज मैंने डिसाइड किया कि आज मैं गोल्ड अवार्ड्स के लिए गोल्ड पहन के आऊँगी बिकॉज आई फील वेरी क्लोज टू दिस पर्टिकुलर अवार्ड क्योंकि विकास दोस्त हैं एंड ही पुट्स अ लॉट ऑफ हार्ट इन टू दिस शो सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम हियर टुडे जस्ट टू वॉच आई होप कि और 100 साल पता नहीं कितने साल चले बिकॉज अच्छे लोगों के साथ अच्छा होना चाहिए सो दैट्स वाई आई रियली आई हैव कम फॉर गोल्ड बिकॉज I truly love it. I'm not here to discuss politics. I'm not here to discuss general outcome because फिर बहुत सारा time लग जाएगा. Let's just talk about gold and entertainment. Thank you. Again, we're not here for a career move. Gold. Let's talk about gold. I'm here. यहाँ पे मैम लास्ट कॉर्नर आई एम वेयरिंग एन आउटफिट फ्रॉम रिपी एंड थोड़ा सा अलग है कलर यूजुअली आप सब जानते हो मैं बहुत ज़्यादा डीप कलर्स पहनती हूँ आज थोड़ा सा सटल एंड थोड़ा सा आइस ब्लू कलर मैंने चुना गोल्स अवार्ड it's like family matlab Vikas is a very close friend so I really like being a part of this of course 10 years complete ho rahe hain so congratulations to the entire team of goals looking forward because I have a performance tonight and also I'm nominated so definitely looking forward for that are you enjoying the break jo abhi matlab target to khatam ho chuka hai now but target se bhi shuru ho chuka hai shooting येस ऑफ कोर्स इंजॉइंग द ब्रेक नागिन 3 के बारे में अभी मुझे कुछ नहीं पता ऑनेस्टली बट येस एज ऑफ नाउ नागिन 2 के बाद जो मुझे अभी ब्रेक मिला है आई एम डेफिनेटली इंजॉइंग इट थोड़ा सा रिलैक्स मोड में हूँ मैं आई रियली डोंट नो एनी थिंग अबाउट नागिन 3 वो आ रहा है नहीं आ रहा है कौन है हु इज़ अ पार्ट ऑफ इट और नो आई रियली डोंट नो जब पता चलेगा बता दूँगी अबाउट जी एस सी वेल अगर गवर्नमेंट ने सोचा है कुछ हमारे भले के लिए सो डेफिनेटली हमारा भला ही होगा आई एम श्योर बहुत सारे लोग काफ़ी नाराज़ है बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लग गए हैं इवन एवरीथिंग यू नो सो आई एम श्योर अगर गवर्नमेंट ने हमारे अच्छे के लिए सोचा है सो इट बी फॉर द गुड सो आई थिंक हमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और देखना चाहिए कि हाउ इज़ इट गोइंग यू नो वी शुड हैव सम पेशेंस एंड सी व्हाट्स हैपनिंग थैंक यू एक्सक्यूज मी यहां पे मैम लास्ट कॉल मैम यहां पे एक्सक्यूज मी मैम राइट साइड मैम सामने मैम योर लेफ्ट साइड मैम लेफ्ट साइड सेकंड कैमरा expectations well I'm gonna enjoy his performance that's why I'm here like I'm performing for the first time you have to come and I'm here for him and to cheer him up and yeah it's mujhe ye hai ki are you excited or nervous what like I am as an audience I'm gonna relax and enjoy mera naam actually nominated hua hai best actor ke liye to I hope ki wo mil jaye agar nahi mera zabardast ke liye you always a winner to aaj bhi ho hi jayega ये तो ये सही नहीं है भाई इतना बोलना सही नहीं है अभी ये वैसा है कि मैं कहता हूँ ना एग्जाम अच्छे होते हैं बच्चों के रिजल्ट अच्छा नहीं आता ये वही हाल होने वाला है बट हम एक्साइटेड कि नाम नॉमिनेट हुआ बहुत है नहीं नहीं बस मैंने 2-3 रिहर्सल करी अपने शूट से निकल के बट यस मुझे डांस का शौक है एक्चुअली सो मैं अभी विश्व पंजाब जो मेरा अवार्ड हुआ फिल्म फेयर वहाँ पे परफॉर्म करके आया सो यहाँ पे मेरी फर्स्ट सेकंड परफॉर्मेंस है गोल्ड के साथ सो आई एम एक्साइटेड कि सही हो बस okay, so,